फाइनली अपन सीतापुर के पास में पहुंच ही गए। आप देख सकते हो टाइमिंग 6:07 हो रहा है और अभी बता रहा है 450 किलोमीटर और जाना है अपने को, तो 8.5 घंटा बता रहा है हरिद्वार का। तो देखते हैं अभी, ऐसे तो सनसेट होते आ रहा है, देखो सूरज मामा भी डाउन हो जाएगा, तो फिर भी मुझे लगता है आधा 1 घंटा तो रहना चाहिए सनराइज और सनसेट होने को, 1-1.5 घंटा तो लगेगा। और तो यहाँ से और इतना टाइम बचा है जाने के लिए अपने पास, तो देखते अभी कितना समय लगता है अयोध्या टू हरिद्वार। बीच में रुके थे अपन, थोड़ा सा कच्चा चूड़ा वगैरह बनाया, और अभी आगे में भी सोच रहे कि कहीं ना कहीं कैंपिंग करेंगे करके। तो देखते हैं जब अपने को पहाड़ी स्टार्ट हो जाएगी उधर ही अपन कहीं ना कहीं अपन कैंपिंग कर लेंगे। ये फुल जुगाड़ करते हुए अभी डीजल निकालेंगे, इसमें से स्टोव में डालेंगे और खाना बनाएंगे। हाईवे पे रुके यहाँ पे, मेन हाईवे पे। ये निकल रहा है डीजल और ये जाएगा स्टो में। ये देख सकते हो आप, ये है अपना स्टो जो आज खाना बनाने वाले अपन, इसमें डीजल जा रहा है अभी, देसी जुगाड़ देसी। ऐसी बुकिंग के लिए हमारे लिए संपर्क करिए, हम आपको एडवेंचर लेके जाएंगे। 1 लीटर डीजल निकाला है कार में से, ये पूरा डालेंगे इसमें और जो बचा कुछ है वो निकाल लेंगे, फिर कार में वापस डालेंगे। झिंगराला रुको, आप देख सकते हो ये हमने जुगाड़ लगाया यहाँ पे साइड पे, मेन हाईवे पे रुके अपन। और इतना खतरनाक यहाँ पे, यानी जो वातावरण है ना पूरा खतरनाक खराब हो चुका है पूरा, यानी मराठी मध्ये आपण असं म्हणतो ना वारातून सुटले पूर्ण, तर वारातून सुटले असल्यामुळे आता पाहू कसं होते काय होते। तर आपली गाड़ी सवारी ऊपर से आप समझ सकते हो कि बहुत खतरनाक हवा चल रही है, तूफान चल रहा है तूफान। और ये इतने तूफान में अपन यहाँ पे बना रहे हैं अपने लिए खाना, ये एडवेंचर है अपना अलग वाला। मॉर्निंग की प्रिपरेशन चल रही है गाड़ी पहुंचने की, जो सामान ब्लैंकेट्स वगैरह देना हो तो रख दिए पीछे में। ये भी मॉर्निंग में रुके थे अपन 150 किलोमीटर पहले हरिद्वार से, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप। डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है तो अमोरा करके है वहाँ पे रुके हैं। तो यहाँ से अपन अभी 7:30 यहाँ आए थे, 6 वगैरह आए होंगे, यहाँ पे रुके थे पेट्रोल पंप पे, फ्रेश वगैरह हुए यहाँ पे। यहाँ से निकलेंगे अभी, पहले तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता वास्ता करके फिर निकलेंगे वहाँ जाना है। तो वो नायरा का पेट्रोल पंप था, बढ़िया था, एक नंबर, एकदम फ्रेश। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आज की तारीख है 21 मई 2024, हम लोग निकले हैं दो धाम की यात्रा पे, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि काशी भी धाम में आता है, चार धाम में आता है, दो धाम में। तो भी देखते हैं कैसी क्या जर्नी रहती है अपनी। तो फाइनली अभी अपन पहुंच गए हैं बॉर्डर के पास पास, अपने को सीधा जाना है यहाँ से, और यहाँ से अभी 100 किलोमीटर के आसपास में दिखा रहा है, आप देख सकते हो, और 2.25 घंटा बता रहे जाने के लिए। तो अपन उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं, बॉर्डर जो थी पीछे ही चली गई है, यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर थी, तो उत्तराखंड में एंटर हो चुके हैं अपन। यहाँ से हरिद्वार जो है
मात्र 100 किलोमीटर। कितना एनर्जी आ गई अपनी, 100 किलोमीटर सिर्फ 100। तो सब लोग वैसे भी थक गए क्योंकि सब गाड़ी में सोए कल, तो भी एनर्जी लाने के लिए एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा, तो इनको रेडबुल पिलाते आगे जाके। चलो तो आप देख सकते हो, देखो नगर पालिका परिषद नूरपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी एक बोर्ड आ रहा है आगे, कितना किलोमीटर है उसमें एग्जैक्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर, हाईवे पे एक जगह है अभी चौधरी फैमिली भोजनालय करके, तो यहाँ से 100 किलोमीटर, 100 भी नहीं है, 90 किलोमीटर है। उसके पहले रुके अपन, तो एक ब्रेकफास्ट कर लेते अपन ने। आलू पराठा बताया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं वैरायटी में, पराठा ही है। पराठा बता दो, पराठा खा के फिर मस्त थोड़ा सा पेट पूजा करते। आलू पराठा है उनसे ना, अर्जुन ना कहीं पराठा पनीर पराठा एक एक सांग, एक पनीर पराठा सांग, एक आलू पराठा, दो पराठे लगा दो, पनीर पराठा है आलू पराठा। दो ऑर्डर किए अभी, देखते टेस्ट कैसा है। ये अपना आलू पराठा, आलू पराठा है यार, एक मिनट चेक करते हैं। बता दो जबरदस्त टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। और ये है गंगा नदी। तो अपन हरिद्वार में ना रुकते हुए डायरेक्ट ऋषिकेश जा रहे हैं, रिटर्न में देखेंगे यहाँ पे रुकने का कैसा क्या है। तो यहाँ से सीधा ऋषिकेश जाके आगे का प्लान जो है वो देखते हैं अभी। तो ऋषिकेश जाने के लिए देख सकते हो आप कितना खतरनाक रश है रोड पे, बहुत ही खतरनाक, पूरा पैक है रोड। और यहाँ से दिखा रहा है 17-18 किलोमीटर, तो एक घंटे का जब यानी एक घंटे का टाइम दिखा रहा है रनिंग। ये फोर लेन हाईवे जैसी ये बड़ा रोड है यहाँ से जाने के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, और यही रोड सीधा जाएगा केदारनाथ के लिए। तो बद्रीनाथ दिखा रहा है 308 किलोमीटर ऐसे। ये हरिद्वार की गलियां, बहुत अच्छे से ऐसा पेंटिंग वेंटिंग करके रखा है, अच्छा दिख रहा है ये। अरे आप देख सकते हो 15 किलोमीटर दिखा रहा है ऋषिकेश, बद्रीनाथ 304 किलोमीटर, केदारनाथ 250। इंद्रमणि बर्डोनिया चौक, तो फाइनली अपन ऋषिकेश पहुंच गए हैं। ये पूरी सिटी ऋषिकेश ही है, देख सकते हो आप बोर्ड पे, देवभूमि उत्तराखंड। सीधा अगर जाते हैं तो केदारनाथ जाता है रोड और बद्रीनाथ जाता है। तो अपन यहाँ पे साइड में कहीं पे तो भाई रुका के अपन देखते हैं कैसा क्या है, कहाँ कैंपिंग कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते। तो ये है ना लेफ्ट हैंड साइड में अभी गंगा नदी गिरेंगी अपने को, और अपन घूम रहे ऋषिकेश की गलियां। अभी प्लान ऐसा है कि एक गाड़ी पहले भी निकली थी नागपुर से अपने प्रवीण भैया के जो भाई है, तो वो लोग भी ऋषिकेश में ही है, तो अपन उनको मिलने का प्लान हो रहा है अभी। तो उनके उनकी लोकेशन पे जा रहे हैं अभी। और ऋषिकेश भी देख सकते हो, पब्लिक बहुत है ऋषिकेश में भी। तो ये है ऋषिकेश के तरफ हम लोग, ऋषिकेश में हम लोग जा रहे हैं नीर वाटरफॉल जा रहे हैं, वाटरफॉल नीरगढ़ वाटरफॉल करके, तो उधर जा रहे हैं। और ये हॉस्पिटल, और यहाँ देख सकते हो कितनी खतरनाक ट्रैफिक। और ये जो रिवर राफ्टिंग के लिए बोटिंग यानी बोट्स वगैरह जाती है ना, तो ये देख सकते हो आप ऊपर ही जा रही है, तो हो सकता है कि ऊपर से रिवर राफ्टिंग चालू हो, देखते भी क्या क्या कर सकते। तो ऋषिकेश में ना अपन ये होटल जो है द शामा क्लासियो करके है, तो
बस यहीं पे गाड़ी अपनी, एक गाड़ी जो बोला था ना आपको नागपुर से निकली है, ये एक इनोवा है और ये अपनी गाड़ी। तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अच्छा इसके पीछे अपन लगा देते, देखते फिर रेस्टोरेंट में जाके। और ट्रैफिक देख सकते हो, पूरा ट्रैफिक जाम है, पूरा ट्रैफिक।